मोदी की बायोपिक को लेकर आए दिन कोई न कोई खबर सामने आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं, चुनाव खत्म होने तक फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी गई है। जहां चुनाव आयोग के इस फैसले से कई बॉलीवुड स्टार्स ने अपनी नाराजगी जताई है, तो वहीं अब फिल्म के मेकर्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। खबरों की माने तो मेकर्स ने चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और इसकी रिलीज पर लगे स्टे को हटाए जाने की गुहार लगाई है। और अब खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया है, जिस पर आने वाले सोमवार यानी कि 15 अप्रैल को सुनवाई होगी। बता दें कि पहले ये फिल्म 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन चुनाव से ठीक एक दिन पहले फिल्म पर रोक लगा दी गई। इसे लोगों ने प्रोपेगेंडा फिल्म करार दिया था। बता दें कि चुनाव आयोग का कहना था कि चुनाव के दौरान ऐसी किसी भी फिल्म को रिलीज करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है जो किसी राजनीतिक दल या उसके मकसद को पूरा करती हो। उमंग कुमार के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में पीएम मोदी का किरदार विवेक ओब्रॉय निभा रहे हैं। फिल्म में बोमन ईरानी, दर्शन कुमार जैसे स्टार्स भी इम्पोर्टेंट रोल में हैं। खैर, अब देखना ये होगा कि आने वाले 15 तारीख को सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाती है और आखिर ये फिल्म कब तक रिलीज हो पाती है। ऐसा है कि हमारी फिल्म हमने बहुत मेहनत करके बनाई है, पूरी टीम ने पूरी श्रद्धा से बनाई है, और पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि एक के बाद एक विघ्न आते जा रहे हैं। तो हम विघ्नहर्ता के पास आए हैं। बहुत आस्था है, बहुत विश्वास है सिद्धिविनायक जी में, और मेरा मन कहता है कि उनका आशीर्वाद होगा और हमारी फिल्म ज़रूर जल्द रिलीज़ होगी। नमस्कार। अरे कशाला ढकल दे तुम्ही ते उभे राहते इतनी विवेक सर फोटो ए अनिकेत नीचे कर, अनिकेत नीचे ले, अनिकेत अनिकेत साइड हो अनिकेत। अरे भाई पीछे आ जाओ यार, अनिकेत निकल निकल पीछे हो थोड़ा, गेट है बाहर आ जाओ, उधर गेट पे चला गए। ऐसा है कि हमारी फिल्म हमने बहुत मेहनत करके बनाई है, पूरी टीम ने पूरी श्रद्धा से बनाई है, और पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि एक के बाद एक विघ्न आते जा रहे हैं। तो हम विघ्नहर्ता के पास आए हैं। बहुत आस्था है, बहुत विश्वास है सिद्धिविनायक जी में, और
मेरा मन कहता है कि उनका आशीर्वाद होगा और हमारी फिल्म जरूर जल्द रिलीज होगी। नमस्कार। हाँ बिल्कुल। Sir, first of all, big congratulations. Thank you. Get a huge response from the audiences. Thank you. Yeah. First of all, we'd like to know how tough it was your to portray Murthy on the screen, and also the 9 different look of yours. Yeah, it was a big challenge. It was an amazing experience as an actor, and all thanks to Sandeep Singh for offering me this role. You barely get as an actor the chance to play a legendary character like Pradhan Mantri Modi ji, and I tried my level best as an actor. We had a good team. 9 look create karne mein bahut mehnat lagi, prosthetics se lekar makeup department se lekar hamare pure team ne usme bahut effort kiya, and I think logon ko film mein pasand aayega. How difficult was to produce a movie like it's a legendary movie? I think it was very simple to produce this film, but it has become very difficult to release this film. so I think shooting was very nice. It was the most memorable shoot of my life, but releasing has also become the most memorable part of saga my life. Saga actually. Okay, so apart from acting, you're also being written the dialogues and the screenplay of this movie, and also you have sang or rapped in the movie. So which part you have enjoyed the most? मैंने कोई याद है आपको, क्योंकि हर पार्ट में मैंने को राइट किया है. अनिरुद्ध और हर्ष ने मेरे साथ में बहुत मेहनत की. आई थिंक मैक्सिमम क्रेडिट गोज टू माय राइटर्स. दे हैव वर्क डे एंड नाइट एंड गिवन अ लॉट ऑफ कमिटमेंट. आई वाज जस्ट देयर, लिटिल बिट सपोर्ट मैंने किया. एंड संदीप ऑल्सो. कभी कभी क्या होता है, सम टाइम व्हाट हैपेंस, वी गिव क्रेडिट एंड वी बिकम वेरी मॉडेस्ट because we are very very particular about that I am an actor, but I will say that if Vivek was not there as a writer in this film, which he never asked me, I don't think till the trailer release he knew that he's getting the credit in screenplay and dialogue. So honestly, the writers came up to me and they told me ki please, it's a request, give his name, because he has contributed equally, because what knowledge he comes from, we don't have that knowledge of either filmmaking, either of politics, or neither of the man. In spite doing so much of research, what he used to get it, not in terms of research, yes, research they did it, but the way we have to show it to the audience, what kind of dialogues will be there, how the screenplay should be told, everything he used to sit and narrate after the film, before the film, on location, so many times to various people. And what the best part about him is, that he is not an overconfident person. He doesn't say, this is final, do it. What he says, if he doesn't get my time or Umang's time or the writer's time, he starts narrating it to his makeup person. He starts narrating it to the assistant. Then he says, no, does it sound properly? So that is what I like. There is no ego. This is the final thing. I have done so many films. I have been in the industry for last 19 years. So you all don't have to say. He used to take contribution from even the small people, and that is what even I learned from there. Because before this film, I used to not take contribution. I say we have to make the film and we have to show it. Later, what happens? But in this film, I think I learned this from you. Thank you. We have to take contribution from the beginning and then present it to the audience. So it was the reverse psychology which he played with us. Okay, yes, sir. Have you got any feedback from Modi ji while filming or after the completion of the film? हाँ, अभी फोन आया था. दैट्स बिटवीन हिम एंड अस. ओके, द मोदी मूवी हैज नाउ बिकम अ प्रोपेगेंडा मूवी. व्हाट्स योर थॉट? इट हैज बिकम अ प्रोपेगेंडा फिल्म. या ओके, सो लेट मी करेक्ट यू. सो बिकॉज़ पीपल आर सेइंग दैट. हां, अच्छा. सो व्हाट्स योर थॉट ऑन दैट? यार, कुछ तो लोग कहेंगे. लोगों का काम है कहना. हम अपनी फिल्म बना रहे हैं. वी हैव मेड अ फिल्म विद ऑनेस्टी, एंड संदीप हैज प्रोड्यूस्ड मेनी अमेजिंग मूवीज बिफोर पीएम नरेंद्र मोदी. He has a very credible body of work at a very young age. It's unfair to just say ye propaganda film hai. Dil se banayi hai yaar, jhoot bol rahe hai log. So it's not only propaganda, let me put more things to that. They have said that this film is funded by BJP, which is not.
we belong to BJP, which is not. He belongs to BJP, which is not. Because I've seen him in films, I think, before this. So I don't know from where he belongs to BJP. We are laughing. But when this acquisition used to come to us, we were shocked ki, matlab, now what will happen to our film, whether it will release or not. Then all the producers belong to BJP. What all has come? And so all this has been proved. And all this, I think, we have been given justice by all the courts, whether it was Bombay High Court, whether it was Delhi, whether it was Supreme Court. And by door to door, they have gone and appealed that this film should be banned and it should not be released or it should get postponed. And door to door, we have gone, ki, please let this film release. It should not be banned and it should not be postponed. I know, yeah. So, okay, difficult. So, initially, this movie was to release on 5th April. Now it's releasing on 11th April. Was any particular reason? यही सब चक्कर काट रहे थे हम. कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी गुरुद्वारे के चक्कर और कभी कोर्टों के चक्कर काट रहे थे. बट फाइनली आई थिंक 11th अप्रैल को जो हो रहा है अच्छा हो रहा है. देयर इज ऑलवेज अ डिवाइन ब्लेसिंग. अगर आपके साथ सच्चाई है तो सब अच्छा ही होगा. सो वी आर एक्साइटेड अबाउट 11th अप्रैल यार. लॉट ऑफ पीपल आर गोना कम एंड सेलिब्रेट दिस फिल्म विद अस. ओके सर, आपको शायद पता होगा कल नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं मुंबई. सो आर यू प्लानिंग टू कीप एनी स्पेशल स्क्रीनिंग फॉर हिम? I think he's a man who keeps working. People say he, when he sleeps and when he gets up. So I think he has a lot of other work for the country. In 2 hours, he can do anything. So, and that he's proved in last 5 years. So I think he'll do better work than watching a film. But we'll be honored if he watches our film and calls us, or if even if we get a compliment from him. Okay, Vivek sir, last few questions. आपको बहुत ही प्यार मिला है बॉलीवुड में. नाउ इन साउथ आल्सो द लूसिफर इज गेटिंग अ ह्यूज रिस्पॉन्स. इट्स इंच टुवर्ड 100 करोड़. सो हाउ यू फील और हाउ डिफरेंस वांट टू वर्क इन बॉलीवुड एंड टॉलीवुड? यार बहुत खुशी होती है. चाहे कोई भी भाषा में आपकी फिल्म जब इतना अच्छा करे एंड पीपल आर गिविंग यू सो मच लव एंड रिस्पेक्ट फॉर योर परफॉर्मेंस, इट्स लवली. मोहन लाल जी इज अ लेजेंड. वर्किंग विद लालेटन आफ्टर 16-17 ईयर्स सिंस कंपनी was an amazing experience. Prithviraj was fabulous as an actor and now as a director. Manju Warrier, again another legend. They have so many national awards between them that I don't have that many numbers in my phone. So they've done really, really well. And it was a pleasure working with them and experience to remember and cherish. Okay sir, jaise ki aap pata hi hoga, you have immense number of followers. I actually retired from politics. So normally people because go now from the actors are turning into politics. Right. So look, अभिनेता से नेता बनते हैं. मैं तो नेता से अभिनेता बना. I was a general secretary of Mumbai University. So ये सब बचपन में कर लिया. Now I'm enjoying acting and I also say ना कि MP बनने का क्या फायदा जब आप PM बन सकते हैं. बस ये आइए फिल्म देखिए 11th अप्रैल को. बहुत अच्छी फिल्म बनाई है. यू सर्टिफिकेट की फिल्म है. पूरी फैमिली आके देख सकती है. इट्स अ फिल्म अबाउट अ पेट्रियट फॉर एवरी सिंगल पेट्रियट. आओ अपने बच्चों को लेके आओ और देशभक्ति की एक फिल्म दिखाओ यार. प्लीज वॉच अवर फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी ऑन 11th ऑफ अप्रैल एंड इट्स अ फिल्म व्हिच विल इंस्पायर यू to do something for your country. Thank you, the best of performance. Thank you. Tisra to koi nahi chep rahe ho na isi mein setup mein.